हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सोनू, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मास्टर टेक में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेंजर स्विच के टाइमर के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, कभी कभी होता क्या है, नई स्विच हम लगाते हैं उसके बाद भी टाइमर काम नहीं करता है, तुरंत हम पेट्रोल पे स्टार्ट करते हैं और पेट्रोल पे कुछ देर स्टार्ट ना होके वो तुरंत गैस पे कन्वर्ट हो जाता है एलपीजी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फीचर बताने वाला हूं जिससे आप अपनी चेंजर स्विच का टाइमर सेट कर सकते हैं, उसको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड तक आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे आपकी गाड़ी का पेट्रोल सप्लाई भी बढ़िया चालू रहेगा और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठंडी जगहों पे होता क्या है, सुबह पेट्रोल से लोग स्टार्ट करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि गैस पे थोड़ा ठंडी होती है और सुबह स्टार्ट करने में 2-3-4 सेल्फ ले लेती है। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं इसलिए आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, आज आपको दिखाते हैं हिडन फीचर के बारे में। देखिए, ये एलपीजी स्विच है, चेंजर स्विच। तो पहले हम इसको निकाल देंगे, थोड़ा सा बाहर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये पेट्रोल पे है और ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है, मतलब पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और गैस पे कन्वर्ट होगी एलपीजी पे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करके इसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तुरंत कन्वर्ट हो गई और मैंने आरपीएम भी नहीं दिया, फिर भी ये कन्वर्ट हो गई। तो सही चीज़ तो ये है कि आरपीएम देने के बाद ही ये कन्वर्ट होना चाहिए एलपीजी पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसी के फीचर में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक यूट्यूब पर आपको ये फीचर के बारे में किसी ने भी नहीं बताया होगा और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ साझा भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, देखिए ये स्विच है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता दूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए ये स्विच है और इसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे छोटा सा आपको सुराग दिखाई पड़ता होगा सेंटर पे, देखिए, और इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाने ऐसा कुछ है, ये सेटिंग का स्क्रू है। तो अभी आपको करना क्या है, यहीं से आपको सेट करना। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी इसकी सेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेटिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा देखिए, आप जो ये दिखाई पड़ रहा है स्क्रू ड्राइवर ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक सेटिंग का ये पतले स्क्रू ड्राइवर से आप इसको थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, एक चूड़ी आधा चूड़ी। उसके बाद मैंने इसको एक चूड़ी ढीला कर दिया है। अब मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, पेट्रोल पे ही रहेगी। आप इसको मर्जी चाहे 10 मिनट स्टार्ट करो, चाहे 11 मिनट, चाहे 15 मिनट, ये पेट्रोल पे ही स्टार्ट होगी। और जैसे ही आप आरपीएम देते हैं, फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, जैसे भी आप आरपीएम देते हैं और मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने आरपीएम दिया और ये एलपीजी पे कन्वर्ट हो गई। एक बार आपको और दिखाता हूँ, ये मैंने एक्सीलेटर पे पैर हटाया और मैंने स्टार्ट किया। देखिए फ्रेंड्स, ये पेट्रोल पे स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही हम आरपीएम देंगे, जैसे कंपनी की गाड़ी होती है, जब तक आप उसको आरपीएम नहीं देंगे तब तक गैस कन्वर्ट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आरपीएम दिया, देखिए एलपीजी पे लग गई, ये हमारी सेटिंग हो गई। फ्रेंड्स, आपको हिडन फीचर के बारे में कैसा लगा, कृपया कमेंट्स में अपनी राय दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि इसको शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, इसलिए कि इसी तरह की वीडियो मैं आप तक लाता रहूँगा। और तो फ्रेंड्स, ये हिडन फीचर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और टाइमर के बारे में जानकर कैसा लगा। फ्रेंड्स, इस फीचर के बारे में अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा आपको, और ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल सप्लाई बराबर रख सकते हैं। और पेट्रोल सप्लाई में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे जाम हो जाता है, पेट्रोल नहीं चलता है, तो वही प्रॉब्लम की खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन के बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक हम लाते रहे और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो और भी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करिएगा, दूसरों के साथ साझा भी करिएगा, ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल जाए।